हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार, आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, जिसका सबसे पहले नाम है एसबीआई कार्ड्स टिन प्लेट। दो स्टॉक्स है, इनसे रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे क्यों मैं आपको ये स्टॉक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। एक अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, ओके, नीचे से बताता आ रहा हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है और ये यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है इस पर्टिकुलर शेयर में। और दोनों ही शेयर अपने अपने सेगमेंट में अगर हम बात करें, दिग्गज शेयर है, तो बातें करेंगे, जानेंगे इससे रिलेटेड। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, तो प्लीज बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज मिलती रहे और आप सीखते रहे। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन में साथ में आ जाएगा, बेल आइकन को हिट कर देंगे तो इससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है और वीडियोज, अच्छी अच्छी वीडियोज, चाहे किसी भी हालात में इंसान रहे, बनाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनके व्यूअर्स उनसे प्यार करते हैं, इससे पता चल जाता है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, और दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस आ चुकी है जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 13 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें चारों कंपनी का बारे में बताया था, आज मैंने टारगेट रिपीट कर दिया है, जाके देख लीजिएगा, एज वेल एज दूसरी वीडियोज को जाके देख लीजिए। आप चाहे तो हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिए, दोनों के लिंक है, नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। एसबीआई कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, एसबीआई कार्ड्स मुझे कब मिला था, मुझे मैं सबसे पहले तो इसका आईपीओ आया था, जब मार्केट गिरी थी तब लिया था, तो उसके बाद शेयर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था, तो बेच के दूसरी जगह उसका बैलेंस शिफ्ट कर दिया था और वहां पर से पैसा कमा लिए थे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जिसने होल्ड किया था, नीचे से आप देख सकते हैं 500 रुपये से लगभग 1100 रुपये गया था, पैसे डबल। और इसके बाद अगर हम बात करें, 1100 रुपये पे जाने के बाद, 1100-1200 रुपये पे जाने के बाद लगातार इसमें गिरावट, और शेयर दोबारा 600 रुपये पे आ गया है। और ये शेयर से रिलेटेड जब भी ये नीचे गिरा है, मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार बताता आ रहा हूँ, शॉर्ट किस तरीके से किया है वो आपको बताते हुए आ रहे हैं, कि यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग हो रहा है, और आप पोजिशनल बाइंग कब कर सकते हैं, वो सब चीज मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक शेयर से रिलेटेड बताता आ रहा हूँ, हमेशा बताता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं जाती। कि अगर यहाँ पर गिरावट हो रही थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट हुई, गिरा फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो लगातार गिरावट हो रही थी बट चीजें लगातार नहीं गिर रही थी, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ रही थी। इसी तरीके से अब जब ऊपर जा रही है चीजें, तो लगातार तेजी नहीं होगी, याद रखिए, तेजी हुई, थोड़ा सा गिरा, फिर तेजी हुई, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर तेजी हो रही है, फिर थोड़ा सा, इस तरीके से चीजें चलती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने को बिल्कुल उतावला है ये शेयर, और बहुत बार यहाँ पर आपको ये बता भी दिया गया है, अगर आज से भी देखें तो 20% के रिटर्न तो सीधे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट 20% के रिटर्न लेना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, स्टॉक मार्केट में हम आया है तो हमारा एक एम लेके आया है कि हमें 1000 करोड़ कमा रहे हैं, हमें 100 करोड़ कमाना है, तो इस एम को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस एम को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ओके, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये किस तरीके से सोचते हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, ये सारी की सारी वीडियोस देखिएगा, और इन्हीं की स्टडी के बेसिस पे मैं आजकल आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ कि किस तरीके से इनके बारे में सोच के, इनकी तरह चल के हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक आदमी था जो वॉरेन बफेट को, आपने यहाँ पर यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा, वॉरेन बफेट से मिलने के लिए उसने लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और किस लिए, ताकि वो उनसे जान सके कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद उस बंदे ने कितने पैसे कमाए, बहुत बेहतरीन पैसे कमाए, अच्छे खासे, यूएस में रहता है वो और इंडियन था वो बंदा, अच्छे खासे पैसे कमाए। तो अगर हम भी इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो ये अगर 2-2 हजार करोड़ के मालिक है, तो अगर हमें 1/4 भी कमा लेते हैं, ओके, और उनका अगर 10% भी कमा लेगा, तो 200 करोड़ 100 करोड़ होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा समझना होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स की, तो एसबीआई कार्ड्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक पनौती था, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर था जिसका नाम है सीए रॉवर होल्डिंग, ओके, और ये जब भी शेयर ऊपर जाता था बेच देता था, जब भी शेयर ऊपर जाता था बेच देता था, जब भी शेयर ऊपर जाता था बेच देता था, जिस वजह से ये शेयर जो 2000 रुपए जाना चाहिए था वो 2000 रुपए कभी जा ही नहीं पाया। इवन इफ इस जो ये ग्रुप है सीए रॉवर होल्डिंग, ओके, आज की डेट में पूरा खाली हो चुका है, देख सकते हैं कोई होल्डिंग नहीं है,
और इस बंदे ने यहाँ पर केवल 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 6,000 करोड़ रुपए बनवाए थे विद इन 3 to 4 years में। तो यहाँ पर SBI कार्ड्स उस तरीके का स्टॉक्स है। प्रमोटर 69% है, ऑब्वियसली बात है SBI कार्ड्स SBI बैंक है। FIs के पास होल्डिंग है, DIs के पास होल्डिंग है, DIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, इस चीज को याद रखिए। और बहुत सारे होल्डिंग्स ने अभी रिसेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हिस्सेदारी ली है। रिजल्ट देखिए, लगातार बेहतरीन रिजल्ट, सेल्स लगातार हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। कंपनी क्या बात करें, एनपीएस घटता हुआ नजर आ रहा है, नेट एनपीएस घटता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी सारी एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रही है, 10 times हो गई है विद इन 9 years। नेट प्रॉफिट देखिए लगभग 15-16% हो गया है। रिजर्व्स देखिए वो बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बोरिंग साथ में, ऑब्वियसली बात है बोरिंग का ही काम है, तो बोरिंग भी बढ़ रही है। जितनी बोरिंग उतना ही पैसा यहाँ पर उन्हें मिलता हुआ नजर आता है। बेहतरीन शेयर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, इसके टारगेट मैंने आपको बताई थी, राउंडिंग बॉटम जाके ये चीजें यहाँ पर जाएगी। 20% के टारगेट तो अभी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बट 20% मकसद नहीं है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप इन्वेस्ट करके यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, ओके, 2,000 करोड़ को 6,000 करोड़ में बदल सकता है, तो अभी सी बात है अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, तो ये पैसा भी यहाँ पर रुकने नहीं वाला, ये अच्छा खासा चलने वाला है। और जब जब SBI कार्ड्स दूसरे नंबर का इंडिया में कार्ड्स के मामले में आता है, कि नंबर ऑफ कार्ड्स इसी के सबसे ज्यादा बिकते हुए नजर आते हैं आफ्टर HDFC। तो आपको चीजें समझनी है, अच्छा ऑफर देता है, मेरे पास SBI कार्ड्स है, तो मुझे मुझे पता है हर एक जगह सेल्स होती है, तो SBI कार्ड्स अच्छी अच्छी जगह, और जब भी ये कार्ड देता है तो 500, HDFC फिर भी यहाँ पर आपको लिवरेज दे देता है कि हाँ ठीक है, लाइफ टाइम फ्री हो गया। ये कभी लाइफ टाइम फ्री नहीं देता, 500 रुपये लेते ही लेता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और ये शेयर 20% के टारगेट यहाँ पर है, और जैसे इस लेवल को भी क्रॉस करेगा चीजें भागेगी। एज वेल एज अभी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखिए बार बार एक इस पहले इस लेवल पे अटक रहा था, मैं आपको बार बार बता रहा था, मैं अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये शेयर भागा और अभी यहाँ पर इस लेवल पे अटक रहा है। इस लेवल को जैसे ही निकाला है इसने, आज का आई 969 रुपीज, तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले 1019 और फिर इसके बाद ऊपर जाती हुई नजर आती है। बट और नीचे की बात करें तो एक सपोर्ट नजर आता है 940, तो नीचे आ सकती है चीजें, याद रखिए नीचे आ सकती है, घबराना नहीं है, होल्ड करके चलना है, बल्कि नीचे आए तो एक्युमुलेट करके चलना है, चीजें अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा SBI कार्ड्स में। टिन प्लेट की बात करें, टिन प्लेट एक बेहतरीन शेयर है, बार बार इसे भी रिकमेंड किया है। क्या बनाता है ये देखिए, ये वो प्रोडक्ट्स बनाता हुआ नजर आता है जो आप ऑयल जिसमें रखते हैं, जो कंटेनर में रखते हैं, ओके, जो घी जिस कंटेनर में रखते हैं वो ये बनाता है। तो ये कंटेनर्स बनाने का काम करता है, एक तरीके का ये मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप में एक प्रोडक्ट्स बनाता हुआ नजर आता है, ओके। और जितने भी ऑयल की कंपनीज है और खुद ही ये जो बेचता है यहाँ पर FMCG में, और दूसरी जो FMCG कंपनी है जो ऑयल की है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इससे लेते हैं, टिन प्लेट से लेते हुए नजर आते हैं। तो काफी बेहतरीन कंपनी है, कम PE पे मिल रहा है, अच्छा खासा ROC ROE है, सब चीज अच्छा है, रिजल्ट लगातार अच्छे खासे आते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पहले 2-3 क्वार्टर से थोड़े से नीचे डिक्लाइन हो रहे हैं, बट मार्जिन अच्छा खासा है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर देख सकते हैं। और टाटा की एक ऐसी कंपनी, टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, टाटा की 2, 4, 5, 6 कंपनी अच्छी लगती है, उसके बाद सारा का सारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नजर आता है, तो वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। और टिन प्लेट की बात करें, टिन प्लेट अभी भी आपको 8 के मल्टीप्लाई पे ही मिल रहा है ज्यादा, और 16 का मल्टीप्लाई इसके इंडस्ट्री का, रिजर्व बढ़ रहे हैं, ओके, बोरिंग ना के बराबर है, प्रमोटर्स देखिए टाटा रिसंस ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाटा स्टील है, यहाँ पर देख लीजिए 75%, FIIs है, ओके, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 22% के शेयर है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। गिरावट की बात करें शेयर में, ऑलरेडी यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50% के आसपास की गिरावट हो गई है, नहीं 50 नहीं, 32-30% के आसपास की गिरावट हो गई है। शेयर की अगर हम बात करें, ऑलरेडी गिर चुका है, डरने वाली बात नहीं है। नीचे की बात करें, थोड़ा बहुत देखिए चीजें लेने के बाद हो सकता है कि चीजें नीचे आए, तो सबसे पहले तो एक बेहतरीन सपोर्ट हमें यहाँ पर नजर आता है ये वाला, ओके, जब तक ये होल्ड है 291 का कोई इशू नहीं है। अगर ये भी टूट जाता है तो इतना तो हमें 30-40-50 रुपए का नीचे लेना चाहिए, तो ये एक 267 मतलब 40 रुपए के अगर आप लॉस झेलने को तैयार है, ओके, और लॉस भी क्या है, नीचे आने को तैयार है, शेयर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं एक बेहतरीन। मेरे हिसाब से ये शेयर दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 1-2-3 क्वार्टर का, फिर चीजें ऊपर जाएगी, और ये शेयर रुकने नहीं वाला। टाटा का, टाटा मोटर्स बढ़े या ना बढ़े, ये जरूर बढ़ेगा। तो 49% 50% के रिटर्न सीधे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला टारगेट आपका ये वाला नजर आएगा जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ,
सबसे पहला टारगेट ये 14-15% के यहाँ पर बनते आ रहे, और दूसरा टारगेट ये बनता हुआ नजर आया 23, और इस लेवल को निकाला सीधे यहाँ पर 50%। तो दो शेयर की तरफ ध्यान देना है, टेम्पलेट SBI कार्ड्स जब चाहे यहाँ पर भागना शुरू कर देंगे, अच्छे खासे रिटर्न देंगे। SBI कार्ड्स थोड़ा सा शायद नीचे आ सकता है, बट अच्छा खासा ग्रोथ है इसमें भी, अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। टिन प्लेट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर अच्छे खासे और ज्यादा रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं टिन प्लेट। तो तीनों पे ध्यान देना है, और बार बार देखिए यहाँ पर आके ही ये शेयर रुकता हुआ नजर आता है। तो चीजें समझने की कोशिश करिए, चार्ट बताता हूँ, चार्ट को समझने की कोशिश करिए तो पैसा अपने आप बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दूसरी वीडियोज को जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन नहीं है तो बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू सो मच।